पुष्कर धामी की अध्यक्षता में देवस्थानम बोर्ड की बैठक। बोर्ड को बर्खास्त करने की पुरोहित लगातार कर रहे हैं मांग। प्रदेश में शुरू हुई मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ। चौबीस घंटे में देहरादून समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना, प्रशासन ने जोर की तैयारियां। प्रियंका गांधी समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर दर्ज किया गया मुकदमा, धारा 144 के उल्लंघन का लगा आरोप। कोरोना पॉजिटिव मरीजों में बढ़ रहे टीबी के मामले, स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की टीबी जांच के दिए आदेश। नमस्कार, उत्तराखंड के खबरों में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। देवस्थानम बोर्ड को बर्खास्त करने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहित लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पर्यटन एवं धर्मस्थ मंत्री सतपाल महाराज के साथ ही बोर्ड के सदस्य और अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद सतपाल महाराज ने कहा कि बैठक में हक हकूक धारों की मांग पर विचार करने का मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है, साथ ही आपसी समन्वय के साथ ही काम किया जाए। इसके साथ ही लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में भी कहा गया है कि बोर्ड के सदस्य अपने अपने विचार दें, उसी के आधार पर हाई कोर्ट में सरकार अपना पक्ष रखेगी। चार धाम देवस्थानम बोर्ड की आज मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई और उसमें मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि हम सेवा और सहयोग से काम करेंगे और जिनकी भी जो शंकाएं हैं उन शंकाओं को निर्मूल करेंगे। लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में ये कहा गया कि भाई जो भी इसके सदस्य हैं वो अपने अपने विचार दे दें, उन सब विचारों को संकलित करके हाई कोर्ट को प्रेषित किया जाएगा और बोर्ड की भावना से। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव आनंद रावत अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने डाइट फील्ड में बालिकाओं को करियर काउंसलिंग और हेल्थ से जुड़ी जानकारियां दी, जिसमें योगा शारीरिक व्यायाम के गुर सिखाए गए। कांग्रेस के महासचिव ने कहा कि पिछले 8 वर्षों से उनका नशे के खिलाफ अभियान जारी है और हजारों की संख्या में शिविरों को आयोजित किया जा रहा है। सालों से नशे के खिलाफ मुहिम चलाता हूं, तो स्कूलों में जाकर के हम बच्चों को नशे के दुष्परिणाम वगैरह बताते हैं, लेकिन केवल बातों से ना होकर के बच्चों को जो है कोई ना कोई एक अल्टरनेट देना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि अगर बच्चों को मैं उनके करियर से संबंधित जानकारी दूं और उनको उनके जो भी उनका उद्देश्य है जीवन में बनने का उसमें अगर उनको जानकारी दूं और उनकी मदद करूं, तो इनमें से कुछ बच्चे फौज में भर्ती होंगी, कुछ पुलिस में भर्ती होंगी, तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगी। तो इसी तरीके के लड़के और लड़कियों के बीच में मैं 7-8 सालों से जो है कैंप लगाता रहता हूँ, तो ग्रामीण क्षेत्रों में मैं कैंप लगाता हूँ। पिछले दिनों सल्ट श्यालदे में लगाया था, अभी यहाँ अल्मोड़ा में आया हूँ मैं, और मैदानी क्षेत्रों में भी मैं करता रहता हूँ, उखलकांडा और इस तरफ में भी कार्यक्रम किए थे। तो मेरा जो उद्देश्य है कि हम लड़कियों को सशक्त बनाएं और जितनी भी वर्तमान में विज्ञप्तियाँ हैं, जैसे अभी भारतीय सेना में लड़कियों की भर्ती निकली है तो उसकी मैं उनको जानकारी देता हूँ और तैयारी कराता हूँ। इसके अलावा पटवारी, लेखपाल और जेल बंदी रक्षक की विज्ञप्तियाँ निकली हैं तो इन लड़कियों को जो है मैं उसका पाठ्यक्रम बताता हूँ। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राम गोपाल नौटियाल को कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या द्वारा हटाए जाने से जनता में नाराजगी है। मंत्री रेखा आर्या ने डॉक्टर नौटियाल को इसलिए पद से हटा दिया क्योंकि उन्होंने समीक्षा बैठक के दौरान फोन कॉल को रिसीव कर लिया था। इस कार्यवाही को लेकर विपक्षी पार्टियों ने कठोर निंदा की है। लोगों का कहना है कि डॉक्टर नौटियाल अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के लिए जनता के बीच में जाने जाते हैं और ये कार्यवाही बेहद ही गलत है। कि डॉक्टर नौटियाल जैसे सज्जन आदमी, उनको यहाँ से हटा देना, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। ये एक राजनीतिक स्टंट था, जहाँ की वो व्यक्ति मेडिकल कॉलेज को आगे बढ़ाना चाहते थे, कुछ करने की इच्छा थी, अभी राजनीतिक द्वेष भावना के कारण उनका आगामी 2022 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरह से मैदान में आ चुकी है। हल्दुआ चौर डूंगरपुर स्थित पंचायत घर में महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष आशा बिस्ट के नेतृत्व में महिला कांग्रेस कमेटी की विशेष बैठक का आयोजन किया गया।
बता दें कि बिहार कांग्रेस के सचिव एवं नैनीताल जनपद प्रभारी रीता सिंह द्वारा महिला कांग्रेस की एकजुटता पर बल दिया गया, साथ ही निर्देशित किया गया कि महिला कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर सरकार की जन विरोधी नीतियों से लोगों को अवगत कराने का काम करेंगे। उत्तराखंड के प्रभारी रविंद्र यादव जी मुझे यहाँ नैनीताल 5 विधानसभा में महिलाओं का जो संगठन है उसके विस्तार के लिए महिलाओं को कैसे मतलब आगे जाना इसका दायित्व मुझे उन्होंने दिया है और आज आशा विश्व की अध्यक्षता में यहाँ पर इससे पहले भी कल नैनीताल में 2 विधानसभा नैनीताल और नैनीताल विधानसभा में महिलाओं की बैठक महंगाई के खिलाफ इस तरह से भाजपा की जो सरकार है लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल का दाम से जुड़ी बात है, रसोई गैस की दाम बढ़ देखा जाए तो सरसों तेल से लेकर दाल। देश प्रदेश में बढ़ती महंगाई को लेकर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा सरकार का पुतला फूंकने के साथ जमकर नारेबाजी की। महिला नेत्री ने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में महंगाई चरम पर है, आम आदमी बढ़ती महंगाई से परेशान है, लेकिन सरकार दिन ब दिन बढ़ रही महंगाई को रोकने में नाकामयाब साबित हो रही है। वरिष्ठ महिला नेत्री संध्या ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण लोगों के रोजगार अब ठप हो चुके हैं। उन्होंने सरकार की जन विरोधी नीतियों को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया है। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित जो है महिलाएं हैं क्योंकि उनको घर गृहस्थी चलाना मुश्किल हो गया। एक तो कोरोना काल की वजह से लोगों के रोजगार छीन चुके हैं, रोजगार तो छीन चुके हैं, फिर उसके बाद देखिए महंगाई चरम सीमा पे, इंसान खाएगा क्या, या तो इंसान बीमारी से मरेगा, ही बीमारी से नहीं मरेगा तो भूख से मरेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे जो विरोध प्रदर्शन किया है क्योंकि आज हर चीज़ में देखो युवा बेरोजगार है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मैं सबसे ज़्यादा ये कहना चाहती हूँ इस समय हमारे पूरे देश में COVID-19 की दो लहरें आके चले गई और तीसरी लहर का अभी हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो लोग कह रहे हैं कि तीसरी लहर जल्दी ही हमारे देश में आने वाली है, तो उसके लिए अभी भी कोई भी ऐसी स्वास्थ्य की कोई पुख्ता यहाँ पर उपाय नहीं किए गए हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ इस सरकार से, जिस तरह से आपने चुनाव लड़ते समय बड़ी बड़े वादे किए अच्छे दिन लाने के, युवाओं को रोजगार देने के, तो वो अच्छे दिन। बाजपुर में खुशी डायग्नोस्टिक सेंटर गलत रिपोर्ट देने का आरोप लगा था जिसको डायग्नोस्टिक सेंटर के मालिक ने निराधार बता दिया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों एक महिला ने अपने पेट का अल्ट्रासाउंड कराया था जिसमें लेफ्ट ओवरी में गांठ दिखाई दी थी, लेकिन गलत टाइपिंग की वजह से पथरी लिख गया, जिसके बाद पत्रकार के द्वारा लैब मालिक को धमकाया जा रहा था। सेंटर को बदनाम करने की भी कोशिश की जा रही है। चमोली जिले के 9 ब्लॉक ठेकेदारों ने भुगतान न होने के चलते जिला पंचायत कार्यालय गोपेश्वर में तालाबंदी कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई साल से विभाग के द्वारा उनका पेमेंट नहीं किया जा रहा है जिससे उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठेकेदारों का कहना है कि जल्द उनका भुगतान नहीं किया जाता है तो वह भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर हो जाएंगे। इससे पहले भी वो विभाग से कई बार गुहार लगा चुके हैं लेकिन उनका बकाया भुगतान नहीं किया जा रहा है। 2019-20 में विभिन्न विकास खंडों के ठेकेदारों के द्वारा जिला निधि के जो मत होता है उसमें कार्य किया गया था, जो बहुत जुनून कार्य थे, कहीं पैदल पुल थे, कहीं इनके अपने निजी भवन थे, उनके ठेकेदारों ने अपने जो पैसे उनको खर्च करके इनके भवन बनाए, पुल बनाए, और मुझे लगता है कि हमने लगातार इनसे पत्राचार करते हुए भी ना तो ये ठेकेदारों को लिखित रूप में आश्वासन देते हैं कि भाई आप लोगों के इस प्रकार से जो पत्राचार हुआ था इसका जवाब ये है, ये काम करने में असमर्थ हैं, और जबकि जिला पंचायत निधि में पर्याप्त पैसा है। माननीय जिलाधिकारी महोदय को के माध्यम से हमने राज्यपाल माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को और इनके पंचायत निदेशालय को। हरिद्वार के गंगा घाट पर हुड़दंग मचाने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस अभियान चला रही है। पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत पुलिस गंगा घाट और आसपास के इलाकों में पुलिस सख्त कार्यवाही कर रही है। हरकी पौड़ी के क्षेत्र के विभिन्न घाटों पर फ्लेक्सी बोर्ड लगाए गए हैं जिस पर लिखा गया है कि गंगा घाटों पर किसी प्रकार का हुड़दंग, नशा और गंदगी न की जाए, अगर ऐसा करते हुए कोई पाया गया तो उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।
विवाहिता की हत्या करने वाले आरोपियों को पकड़ने की मांग को लेकर मृतक महिला के परिजनों ने शव को हाईवे पर रखकर प्रदर्शन किया। बीते शुक्रवार को मुरादनगर में रहने वाली महिला की उसके देवर ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी। दौलतपुर निवासी 30 वर्षीय दीपा की शादी 3 साल पहले कोटा मुरादनगर निवासी विपिन से हुई थी। दीपा के 2 वर्ष का एक बच्चा भी है। आपको बता दें कि वह 6 माह की गर्भवती भी थी। शुक्रवार शाम दीपा को उसके देवर ने पीट पीट कर मार डाला और 2 वर्षीय बच्चे को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए मृतका के परिजनों ने प्रदर्शन किया। पौड़ी जिले के तराई गंगा इलाके में वन विभाग की जमीन पर लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए है। दूसरे राज्यों से आकर लोग यहां पर अपना कब्जा जमा रहे हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि पहले ही यहां पर बहुत सारी दिक्कतें हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, मवेशियों को चारा मिलने में भी दिक्कतें होती है। ऐसे में ये लोग अपने जानवरों को खुला छोड़ देते हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही। कोरोना टीकाकरण के लिए प्रशासन की तरफ से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डीएम के निर्देश पर कोरोना से बचाव और संक्रमण की रोकथाम के लिए नुक्कड़ नाटक के जरिए जागरूक किया जा रहा है। अभियान के तहत जिला मुख्यालय पौड़ी बस अड्डे पर गढ़कला सांस्कृतिक संस्था द्वारा नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। वहीं सूचना विभाग में पंजीकृत गढ़कला संस्कृति संस्था के लोगों में कोरोना वैक्सीनेशन के प्रति जन जागरूकता फैलाने के लिए पौड़ी के बस स्टेशन में नया सवेरे नाम का नाटक किया गया। एम्स ऋषिकेश में हवा से ऑक्सीजन पैदा करने वाला पीएसए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कर दिया गया है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए यह प्लांट कोविड मरीजों के इलाज में मददगार साबित होगा। 1 महीने के अंदर प्लांट से ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। प्रेशर स्विंग तकनीक आधारित इस प्लांट से 24 घंटे प्रति मिनट 1000 लीटर ऑक्सीजन गैस का उत्पादन किया जाएगा। संस्थान को पीएम केयर्स फंड के द्वारा 1000 लीटर कैपेसिटी का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्वीकृत किया गया है और हमारे निदेशक महोदय ने इस बात को गंभीरता से लिया है कि आगे मरीजों को थर्ड वेव में या कोई भी आपदा आए उसमें ऑक्सीजन की कमी। स्वास्थ्य निदेशक ने तीसरी लहर को लेकर तैयारियों का जायजा लेने के लिए ऋषिकेश के राजकीय चिकित्सालय का निरीक्षण किया। अस्पताल में बनाए गए नए आईसीयू, एनआईसीयू और पीआईसीयू वार्डों का निरीक्षण किया गया। स्वास्थ्य निदेशक ने अस्पताल के संपूर्ण व्यवस्थाओं पर संतुष्टि जताई। साथ ही उन्होंने बताया कि अस्पताल प्रशासन को साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की आवश्यकता है। बच्चों की तैयारी अगर हम देखते हैं तो इन्होंने अच्छी करी हुई है। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी सैंक्शन हो चुका है। 1000 लीटर पर मिनट वाला जो आता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कल ही सेंक्शन किया है, अगर वो प्लांट लग जाएगा तो बहुत बड़ी दिक्कत खत्म हो जाएगी ऑक्सीजन की। पर इनके पास मैनिफोल्ड सिस्टम है जिसमें इन्होंने करीब 16 इनके जंबो सिलेंडर्स अटैच्ड हैं और 80 जंबो सिलेंडर इनके पास रखे हुए हैं, तो ऑक्सीजन की ऐसी कोई कमी है। रुड़की प्रेस क्लब के नव निर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। इस दौरान किसान कामगार मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने सभी पदाधिकारियों का प्रेस क्लब में फूल पहनाकर स्वागत किया और शुभकामनाएं दी। चौधरी सुभाष नंबरदार ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। पत्रकार अपनी लेखनी के माध्यम से शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में तमाम समस्याओं को प्रमुखता के साथ उजागर कर शासन प्रशासन के साथ ही आम जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। पत्रकारिता एक जोखिम भरा कार्य है। पत्रकार संकट की स्थिति में भी अपनी जान को जान से खेलकर खबरों की कवरेज करते हैं, जो बेहद ही प्रशंसनीय है। जो हमारा संगठन है, प्रेस संगठन, उसका जो है पदाधिकारियों का स्वागत किया गया है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और जिस तरीके से हमेशा ही किसानों के लिए लड़ाई लड़ते आए हैं, हम भी इनके साथ हैं। जिस तरीके से भी इन्हें संगठन की जरूरत पड़ेगी, हम इनके साथ हैं। वही हमारे द्वारा जो संगठन बनाया गया है, पत्रकारों के हितों के लिए जो संगठन बनाया गया है, पत्रकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके उनकी मजबूती के लिए काम किया जाएगा। संगठन के जो और कार्य हैं उनको सिरेवार से जो है। और इसी के साथ उत्तराखंड के खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।